खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के ग्राम खारिया में इस चिलचिलाती गर्मी में जहां पानी नहीं मिलने पर गला सूखने लगता है, ऐसी स्थिति में शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय ग्राम खारिया में अध्ययनरत करीब 250 बच्चे लगभग 8 दिन से पीने के पानी के लिए इस चिलचिलाती गर्मी में तरस रहे हैं। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय का बिजली बिल नहीं भरने से बिजली विभाग द्वारा विद्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। वहीं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का कहना है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत विद्यालय में पानी की टंकी तो बनाई गई है, लेकिन बिजली बिल विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, जिससे मोटर नहीं चल पा रही है, जिसके कारण बच्चों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चे पानी पीने के लिए इधर उधर पानी की टंकी के पास भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, यहाँ स्कूल में आज जो पानी की समस्या है बच्चों की, जी ये किस चीज़ को लेकर है? ये सर, उनके लिए पानी की टंकी वगैरह बनी हुई है, लेकिन लाइट अभी पोल से काट दी गई है, इस कारण टंकी में पानी जा नहीं रहा है, इसलिए टंकी में पानी आ नहीं रहा है। सर, लाइट काट दी गई, मतलब इसका क्या कारण है, क्यों लाइट काटी है? उनका कहना पड़ता है कि सर बिजली बिल जमा नहीं किया, लेकिन जबकि हमारे यहाँ अभी तक बिजली बिल आया ही नहीं, स्कूल के नाम से बिजली बिल नहीं आया। तो सर, उसके लिए आपने अभी तक किसी बड़े अधिकारी को बताया इस चीज़ के लिए? ऑफिस में जाके बोला था सर, मैंने सुपरवाइजर साहब से तो नहीं बोला, लेकिन उनके ऑफिस में जो बाबू है उनको समस्या से अवगत कराया था, उन्होंने बोला था कि जोड़ देंगे वापस। सर, कितने दिन से पानी की समस्या आपने? जी 8 वर्ष से सर। 8 वर्ष? 8 वर्ष से। अभी सर बच्चों के पीने की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? पीने की वैकल्पिक व्यवस्था तो सर जो पंचायत का बना हुआ है स्कूल के पास में टंकी बनी हुई है, वहाँ से बच्चे पानी पी रहे हैं, ग्राम पंचायत द्वारा बनी हुई। क्या सब नाम लिखते हैं? बाबूलाल सोलंकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।